नागपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच यूनिट 5 द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां शहर में चल रहे चेलानी समूह के शराब रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी समेत उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि डेढ़ महीने पहले पुलिस को चकमा दे रहे शराब माफिया अशोक चेलानी अपने साथी सहित क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। जरीपट का मेन रोड स्थित घर से चेलानी और उसके साथी चंदन किशनलाल खत्री कपिल नगर निवासी को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 2 लाख रुपए शराब भी बरामद की है। ज्ञात हो कि क्राइम ब्रांच ने डेढ़ माह पूर्व चेलानी की रैकेट का भांडाफोड़ किया था। उसके साथी ऑटो चालक अशोक भालाकरे को गिरफ्तार कर 30,44,000 रुपए की शराब बरामद की थी। चेलानी दिल्ली, हरियाणा, गोवा, एमपी आदि राज्यों की शराब को चोरी छिपे नागपुर लाकर बेचता है। वह पुलिस की कार्रवाई के बाद से फरार था। 18 दिसंबर को डेढ़ माह बाद भी चेलानी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। गोपनीय सूचना पर क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने बुधवार तड़के चेलानी के जरीपट का मेन रोड स्थित घर पर दबिश दी। वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने बरामद शराब चंदन स्वत्री से खरीदने का बताया। ऐसे में चंदन को भी गिरफ्तार किया गया। चंदन लंबे समय से चेलानी से जुड़ा है। इस मामले की गहन जांच होने पर कई चर्चित लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम्ही क्राइम युनिट 5 गुन्हे शाखा आमच्या इथं दिनांक 3/11/2023 ला गुप्त बातमीदारांमार्फत बातमी मिळाली होती की नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात विदेशी मद्याची विक्री होत आहे आणि ती विक्री रिक्षा सारख्या वाहनांवर होत आहे। म्हणून आम्ही त्या रिक्षाचा शोध घेऊन 3 तारखेला रिक्षावाल्याला ताब्यात घेऊन त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर 3 ठिकाणी रेड केल्या। तिथं 41,00,000 रुपयाची विदेशी बनावटीची दारू मिळून आली। ती दारू रिक्षावाल्याकडे अधिक तपास करता रिक्षावाल्याने सांगितली ती दारू अशोक पंजुमाल चेलानी राणार जरीपटका याची आहे। गुन्हा दाखल झाल्यापासून मुख्य आरोपी अशोक चेलानी हा फरार होता, त्याचा शोध चालू होता। सदर आरोपीला आम्ही गोपनीय माहितीनुसार सापळा रचून आता अटक केलेली आहे। त्याच्याकडे त्याचं पोलीस कस्टडी रिमांड घेतला, त्याच्याकडे आणखी चौकशी केली असता त्याची लोधीखेडा मध्य प्रदेश येथे MIDC मध्ये डिस्पोजल ग्लासची फॅक्टरी होती, त्या फॅक्टरीमध्ये आणखी माल असल्याचे त्याने आम्हाला तपासात सांगितल्याने सदर ठिकाणी जाऊन आम्ही रेड केली असता तिथे 2,05,000 रुपयाची विदेशी मद्य मिळून आलेली आहे। यात आणखी एक आरोपी चंदन खत्री ज्याच्या घरात दारू मिळाली होती त्यालासुद्धा अटक केलेली आहे। दोन्ही आरोपी हे पोलीस कस्टडीत आहेत, पुढील तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।